दोस्तों नमस्कार। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन इस विश्व का एक नागरिक हूँ। इस की वजह से आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। वाकई आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मन में पीड़ा है। पीड़ा इस बात को लेकर के कि मैं टीवी के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से, खबरों के माध्यम से देख रहा था कि इजराइल और पैलेस्तान के बीच में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, अर्थात गाज़ा में क्या हो रहा है, और हमास आतंकवादियों की वजह से इजराइल ने जो कदम उठाया है उसकी वजह से कितने लोगों की जानें जा रही हैं। 7 अक्टूबर से लेकर के आज तक लगभग देखा जाए तो दोनों तरफ से कई हज़ार लोगों की जानें गई हैं। मैं उन वीडियो को आपके सामने यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, चित्र भी नहीं दिखा सकता हूँ, जो हालांकि इंटरनेट के माध्यम से ये उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये घटना बहुत ज़्यादा दुखद है। क्या इजराइल वास्तव में गाज़ा को पूरी तरह से नष्ट कर देगा? क्योंकि आज ही मैं सुबह जब अखबार पढ़ रहा था तो उस समय पढ़ा कि दोनों देश जो है, हमास अर्थात जो संगठन हमास और इजराइल के प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम करने के लिए एक प्रकार से मना कर दिया कि एक युद्ध विराम तो हम कर ही नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा ईगो दोनों तरफ से, इतना ज़्यादा घमंड, और इन दोनों के घमंड की वजह से जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोगों को बंधक बना लिया गया, हमास के द्वारा बंधक बना लिया गया, फिर उसके काउंटर में इजराइल के द्वारा गाज़ा पर बम फोड़े जा रहे हैं। बमों की संख्या भी कई हज़ार हो चुकी है। सुनने में तो ये आया कि ऐसे ऐसे बम छोड़े गए हैं जो कि पूरी तरह से नस्लों तक को नष्ट कर देंगे। तो कितना सच है क्या है वो, हालांकि वहाँ की रिपोर्ट मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को देख करके निश्चित रूप से किसी भी एक जिम्मेदार जो नागरिक है उसके मन में विचलन तो पैदा होती ही होती है। वहाँ पर जो है कि पानी के बंदोबस्त जो है रोक दिए गए हैं, बिजली रोक दी गई है, राशन की व्यवस्था रोक दी गई है, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। 7 अक्टूबर से लेकर के आज जो कि 17 अक्टूबर हो चुका है, इन 10-11 दिनों के अंतराल में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो तोड़ दी गई हैं, कैंप्स तोड़ दिए गए हैं, जो कि और भी जो संसाधन या जहाँ लोग रहते हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं। तो ऐसे समय पर वाकई देखने को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। लोग अपने को ढूंढ रहे हैं, जिनके लोग गुजर गए उनको मलबों में देख रहे हैं, बच्चों माँ को देख रही है, माँ बच्चों को देख रहे हैं। एक एक परिवार के 30-30 लोग भी इस जंग में मरे हैं। तो इन लोगों का बेचारों का क्या कसूर है भाई? ये जो ऐसे लोग हैं जो आम नागरिक हैं, उनका उसमें क्या कसूर है? उनको क्या चाहिए? वो तो शायद इस प्रकार के नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो नेतृत्व करता है, इनके घमंड की वजह से, सच कहा जाए तो इनकी घमंड की वजह से, इनके ईगो की वजह से इस प्रकार के हालात बने हुए। जहाँ भी युद्ध होता है, जहाँ भी हो, तो हमेशा वहाँ जो हमारा घमंड होता है कि मेरा देश पहले होना चाहिए। अरे देश पहले करने से क्या करेंगे जब वहाँ की जनता ही नहीं बचेगी? गाज़ा में लगभग 22 लाख लोग रहते हैं, तो 22 लाख लोगों में से कितने लोग बचेंगे किसको पता है? कितने और बम फोड़े जाएंगे, कितने और रॉकेट दागे जाएंगे किसको पता है? हालांकि कोई इसकी मेरे पास गिनती नहीं है, जो कि खबरों के माध्यम से मैं केवल आपके सामने ये कह पा रहा हूँ कि इतने ज़्यादा रॉकेट्स दागे गए, 4-5 हज़ार से ज़्यादा रॉकेट वहाँ दागे गए, दोनों तरफ से दागे गए। तो ये रॉकेट जो दागे जाते हैं उससे कोई पानी तो नहीं निकलता, भोजन तो नहीं निकलता है, खुशहाली तो नहीं निकलती है, उन रॉकेट से सिर्फ और सिर्फ मौत निकलती है, विनाश विनाश होता है। अगर किसी बिल्डिंग पर गिरते हैं तो बिल्डिंग टूटती है, लोगों पर गिरते हैं तो लोग मरते हैं। तो इस प्रकार के जो हथियारों का उपयोग जो वहाँ पर हो रहा है, इस प्रकार के जो मुश्किल हालात हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा दयनीय है। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, आतंक का न तो कोई स्थान होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होता है।
आतंक का कोई कुछ भी नहीं होता है, केवल केवल लोगों को मारना, यही उनका कार्य होता है। पूरा विश्व आज से नहीं, बहुत समय से इस घटना से, इस बीमारी से गुजर रहा है। तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि जो जो इस प्रकार की घटनाएं करने वाले हैं तो उनको मैं पक्ष जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों को आप दूसरे तरीके से समझा सकते हैं, दूसरा रास्ता हो सकता है, बातचीत का रास्ता हो सकता है। और आज बड़ी एक हंसी सी आती है कि जो वैश्विक नेता हैं, ग्लोबल लीडर, जो अपने आप को कहते हैं कि भाई ग्लोबल लीडर हैं, तो आज ग्लोबल लीडर नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो किसके लिए होते हैं ग्लोबल लीडर, कहाँ हैं आज, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को आना चाहिए, लोगों से अपील करना चाहिए, नेताओं से अपील करना चाहिए। जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, सुनने में आया कि वहाँ पर जा रहे हैं, और बड़ी अजीब सी बात है, आप वहाँ तो जा रहे हैं तो क्या जाने से क्या फ़ायदा, आपके हथियार तो वहाँ सप्लाई हो रहे हैं, उन हथियारों से तो लोग मर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है। तो ये जो दो तरफा जो कहते हैं ना कि दुधारू तलवार, वो हमेशा इस दुनिया के लिए नुकसानदायक हुई है, नुकसानदायक साबित हुई है। तो हमें निशस्त्रीकरण करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह वो न करके हम और विपंस को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो लोग मरने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं रिपोर्ट्स में देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे तरस रहे हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से देख सकते हैं, इंस्टा पर देख सकते हैं, अन्य अन्य जो एजेंसियाँ हैं, तो उन वीडियो में जब देखते हैं तो कितने बच्चों को भी बंधक बना लिया गया है, लोगों को बंधक बनाया गया है। तो बंधक छुटाने के लिए फिर उनके ऊपर रॉकेट जो है डाले जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ये जो कि घटनाएं हो रही, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और इस प्रकार की समस्या से, इस प्रकार के झगड़े से कहो कि समस्या समाधान हो जाए तो वो संभव नहीं हो सकती है। भगवान बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा है कि नहि बेरेन बेरानी संबंधित कुदाचन अबेरेन संबंधी एस धम्मो सनंतनो, कि बैर से बैर शांत नहीं होता है, अबैर से ही अबैर शांत हो सकता है। तो अगर हम बैर फैलाते जाएंगे और ज़्यादा लड़ते जाएंगे, हम 10 मारेंगे तो वो 20 मारेंगे, तो इससे क्या होगा, जनता मरेगी, लोग मरेंगे, जिनके लिए हम इस विश्व की रचना कर रहे हैं, जिनके लिए हम ये विश्व अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस विश्व को हम कहाँ पर लेके पहुँच गए हैं। जब विश्व ही नहीं रहेगा, लोग ही नहीं रहेंगे, तो विश्व किसके लिए, ये दुनिया किसके लिए, ज़मीन किसके लिए। जो हाँ जो झगड़े हुए हैं गाजा में और जो इज़राइल के बीच में, आप सभी जानते हैं कि एक धार्मिक जो उस वजह से हुए हैं, आज से नहीं, ये हजारों वर्ष प्राचीन व्यवस्था है। वो जो स्थान है वो 35 एकड़ के एरिया में है, उसको लेकर के झगड़े हो रहे हैं। तो ठीक है, ये नहीं मैं बिल्कुल कहता हूँ कि भाई आप अपनी परंपरा को, धर्म को न माने, आप बिल्कुल मानिए, लेकिन इनके नाम पर अगर झगड़े हों, लोग उससे मरें, तो इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक होने का लाभ क्या है, कोई लाभ नहीं हो सकता है, उससे सिर्फ और सिर्फ लोगों को आप नुकसान ही दे सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है, हालांकि मेरी गुजारिश से होगा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मेरी संवेदनाएँ दोनों देशों के लिए, जो भी अर्थात जो भी लोग मरे हैं उनके लिए, जो भी जिस देश के लोग मरे हैं उन सब के लिए मेरी संवेदनाएं हैं कि काश वो लोग भी जीवित रह पाते। एक एक परिवार से कई लोग मरे हैं, सैकड़ों की संख्या में वहाँ के लोग मरे हैं, उस गांव के, उस शहर के कितने लोग हताहत हो चुके हैं। तो क्या वाकई ये इजराइल जो है गाजा को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा, क्योंकि दोनों देशों के लोग अपने घमंड की वजह से कह रहे हैं कि युद्ध विराम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो युद्ध विराम करने का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ समझौता जैसा करना, या फिर अपने आप को हार मान लेना जैसा समझते हैं। तो इस प्रकार के जो ईगो हैं, इस वजह से हम हार नहीं मानना चाहते हैं। हार मतलब ये नहीं कि आप दूसरा आपके ऊपर जो आक्रमण कर दे और आप कुछ ना करें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हार का अर्थ है कि यहाँ पर आप अपने ईगो को कम कर लीजिए। अगर आप घमंड को कम कर लेंगे तो निश्चित रूप से लोगों की वहाँ पर जान बच सकती है। लोगों जो आज बिलख रहे हैं, जो भटक रहे हैं, बच्चे बूढ़े परेशान हैं,
जो रो रहे हैं, मैं वाकई बहुत ज़्यादा वीडियो देख करके दुखी हुआ कि किस प्रकार के जो है कि हालात बने हुए हैं। पूरा का पूरा जो कि बिल्डिंग्स हैं, शहर हैं, जमींदोज हो गए हैं। लोग जो अपने परिजनों को वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, मलबों में देख रहे हैं, माँ अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, माँ बच्चा अपने माँ को ढूंढ रहा है। तो इस प्रकार से जो क्रम लगातार वहाँ पर चला जा रहा है, और हजारों की संख्या में जो कि रॉकेट की संख्या जो कहा जाए, हजारों की संख्या में वहाँ पर दागी गई है। और जैसा कि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि लगभग 2600 लोग अब तक मरे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2600 लोग ही मरे होंगे, उससे ज़्यादा लोग मारे गए होंगे। उसके अलावा इजराइल के लोग भी लगभग 1300 के आसपास, 1500 के आसपास ऐसे मारे गए हैं। तो ये हालात हैं। मेरे इजराइल के एक दो मित्र हैं, जैसे ही मैंने ये खबर सुनी तो मैंने उनसे संपर्क साधा। हालांकि पहले एक दो दिन तो मुझे उनका जब मैसेज नहीं मिला तो मुझे वाकई दुख हुआ, डर भी लगा कि कहीं उसके साथ भी ऐसी घटना ना हो गई हो, कहीं उसके परिवार के साथ ना हो गई हो। तब उसने बताया कि हम लोग जो है कि बच के भाग गए हैं, साइप्रस भाग गए हैं, पूरे परिवार सहित भाग गए, भाग निकले। भाग गए मतलब डर की वजह से, बचाने के लिए तो वहाँ से निकल गए, अब हम लोग सुरक्षित हैं। तो भले ही जो देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा हो या दूसरा देश एक पर कर रहा हो, तो दोनों देश के ही लोग तो आहत होते हैं, लोग विस्थापित हो जाते हैं। आखिर फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि लोग, कई लाख लोग जो है विस्थापित हो गए। तो विस्थापित कहाँ होके जाएंगे? वो वहीं बेचारे कहीं ना कहीं छुपे होंगे, भूख प्यास से मर रहे होंगे, तो विस्थापित कहाँ हुए? तो सभी लोग इस पर ध्यान दें कि जो 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 देश है, जो लोग हैं, वो बचने चाहिए। उसके लिए हम भारतीय लोगों को भी बिल्कुल, हम आम नागरिक तो उसमें कर ही क्या सकते हैं, हमारी जो सरकार है वो भी निश्चित रूप से वहाँ की सरकार से बात करे, वहाँ के लोगों से बात करे, उनको जो सुरक्षा या फिर जो हम खाद्य पदार्थ दे सकते हैं वो भी उनकी तरफ पहुँचाए जाने चाहिए, जो कि जिससे कि मानवता बच सके। अज्ञानता की वजह से ये कार्य हो रहे हैं, इतने ज़्यादा इग्नोरेंट हैं कि इग्नोरेंट की वजह से ये घटनाएँ हो रही हैं। इस जब तक इस इग्नोरेंट को नहीं हटाएंगे, अविद्या को नहीं हटाएंगे, तब तक शायद ये चीज़ें चलती रही हैं, चलती रहेंगी। जो गाजा पट्टी का या गाजा स्ट्रिप का जो युद्ध है, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि आए दिन वहाँ पर होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, गाजा में इतने लोग मरे, हमेशा ये चीज़ होती है। खूनी संघर्ष कभी रुकता ही नहीं है, तो ऐसे खूनी संघर्ष को रोकने के लिए पहल करनी चाहिए। इस खूनी संघर्ष को कहीं ना कहीं तो हमें समाप्त करना होगा, नहीं तो ये मानवता संपूर्ण नष्ट हो जाएगी। आज वहाँ है, कल यहाँ भी हो सकता है। तो ये विश्व आगे के समय में किस प्रकार के हालात बनेंगे किसको पता है? तो हम सबको पहल करनी चाहिए, अपने अपने स्तर से जितना हो सके उतना कोशिश करनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।